नमस्कार साथियों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे और थोड़ी खुशी भी होगी। खुशी इस बात की होगी कि शारीरिक नापझोक हो चुका है एसआई का, है ना, और अब अपन को देना है सेकेंड स्टेज जो ऑब्जेक्टिव बेस पे है। कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा आपके लिए एक प्रोग्राम लाया गया है जिसके माध्यम से, मतलब यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें आपको सिलेबस से अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के क्या कराए जाएंगे, एमसीक्यू कराए जाएंगे एंड प्लस कुछ फैक्ट भी बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट्स होंगे। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी जो कुछ, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है ना, समय बीत चुका है और बहुत लंबे इंतजार के बाद ये मौका मिला है फिर से पुलिस बनने का। तो कंपटीशन कम्युनिटी ये चाह रहा है कि आपको वो सारी सहायता प्रोवाइड कराई जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जो आपको आसानी से कम समय में अच्छी तैयारी जिससे कराई जा सके। इसी प्रोग्राम के तहत मैं दिनेश आपको पढ़ाऊंगा संविधान, ठीक है। संविधान को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार पढ़ने पर ये समझ में नहीं आता, दो बार पढ़ने पर समझ में नहीं आता, ठीक, या हम पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी हो गई है, बट जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर है? आज का जो वीडियो होगा और जितना मैं एसआई के लिए संविधान के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बाद आपको संविधान दोबारा देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा। 10 मिनट जो भी, जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें 10 मिनट मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे उसकी एमसीक्यू। क्लियर है? तो एक बार सब जोर से एक बताऊं, एक वो होता है कि एक मोटिवेशन लाइन होती है जो बोलना चाहिए जब भी हम पढ़ने बैठे या जब भी हमारा पढ़ाई में मन ना लगे तो जरूर बोलना चाहिए, और मेरी जिंदगी का एक फंडा ही है, मतलब मैं इस फंडे को अपनाता ही हूँ, आर या पार, पैदल या कार। तो चलिए आर या पार करते हैं, या तो जीवन भर पैदल में चलते हैं या जीवन भर कार में चलते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और संविधान है तो संविधान के क्या कर रहा हूँ मैं कि आपको तीन टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ, एक साथ तीन टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा एंड प्लस फिर उसके बाद हम लोग उस टॉपिक्स के एमसीक्यू करेंगे। शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी कहानी संविधान की, जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा तो उनको भी आसानी होगी तैयारी करने में। क्लियर है? ठीक, तो आप भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए, तो संविधान पढ़ा रहा है मेरे को। संविधान में ये है कि थोड़ा सा इसका कहानी जानते हैं। कहानी ऐसा कि 1757 में प्लासी का युद्ध एंड 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर के युद्ध को कहा जाता है भारत के भविष्य का निर्णायक युद्ध। इस युद्ध के बाद ही ये डिसाइड हो गया कि भारत का जो भविष्य है वो किसके हाथ में जाएगा, वो अंग्रेजों के हाथ में जाएगा। क्लियर है? ठीक, थोड़ा सा टच हो गया तो स्लाइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस युद्ध के बाद ये डिसाइड हो गया कि भारत का भविष्य किसके हाथ में चल देगा, अंग्रेजों के हाथ में चल देगा। और यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम थी कि कैसे अब उस पूरा का पूरा उस प्रशासन को कंट्रोल किया जाए या कैसे प्रशासन किया जाए। मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट में कहानी सुना रहा हूँ, ठीक, उसके बाद टॉपिक में मेन आता हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि उस समय के, मतलब जब 1773 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय के तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि भारत ने प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाया, एक एक्ट बनाया। ये एक्ट 1773 में भारत आया, और जब भारत आया तो इसी एक्ट को कहा जाता है भारतीय संविधान का प्रथम स्रोत, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों फर्स्ट सोर्स कहा जाता है? क्योंकि यहीं से भारत ने प्रशासन को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे शासन करना है इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया था। इसी कारण 1773 के एक्ट को फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। धीरे धीरे समय समय पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, नियम बनाना शुरू किया, प्रशासन को और आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आया
1947 की हमें आजादी मिलने वाली थी और इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। कैसे, क्या था, आजादी के एक साल पहले ही ब्रिटेन में आम चुनाव होना था, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। ठीक, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि अगर मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं जून 1948 से पहले भारत को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। उनकी बात प्रभावित कर दी, ठीक, और वो बन गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो अब जो उन्होंने घोषणा की थी उस पर काम करना उनको जरूरी था, तो उन्होंने क्या किया कि एक मिशन भारत भेजा। ठीक, वो मिशन भारत आया 1946 में और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस मिशन में जितने भी सदस्य थे, 3 सदस्यों वाली समिति थी, इसमें तीनों की तीनों कैबिनेट मंत्री थे। एक व्यक्ति का नाम था पेंथिक लॉरेंस जो इस मिशन के अध्यक्ष थे, एक व्यक्ति का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स और एक का नाम था एसी अलेक्जेंडर। ये तीनों भारत आए, बैठे, कांग्रेस के साथ बैठक हुई, मुस्लिम लीग के साथ बैठक हुई, सबके साथ बैठक हुई और इन्होंने औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा और हमारे जाने से पहले, मतलब ये कहा गया कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले आप अपना संविधान पूरा कर लो। ठीक, बट एक चीज को उन्होंने नकार दिया और वो चीज थी कौन सी, पाकिस्तान, मतलब भारत के बंटवारे की बात को नकारा और बोल करके निकल लिए यहां से। तो जब यहां से निकले तो अब हमारे जितने भी महान महान नेता लोग थे सब बैठे और संविधान बनाना शुरू किया। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, एकदम शॉर्टकट में ला रहा हूं। पहली बैठक हुई 1946 में, उसके बाद लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और संविधान बनने में, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के रेडी हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया। ठीक है, जब संविधान को लागू किया गया तो मूल संविधान में, ठीक, मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में टोटल थे 22 भाग, ठीक, 395 आर्टिकल, क्लियर, और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग, 400 से अधिक आर्टिकल, लगभग 465 एंड 12 अनुसूचियां हैं। देखो कभी कभी भाग से भी क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आज 3 टॉपिक हमको पढ़ना है, ये मेरे को शुरू में बताना चाहिए मगर मैं बाद में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 3 टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, एक संवैधानिक विकास, एक प्रस्तावना और एक संविधान सभा। ठीक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ओके, और उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे क्योंकि डायरेक्ट में एमसीक्यू में नहीं आना चाहता, मैं एक अलग लेवल पे आपकी तैयारी कराना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में संविधान से अगर क्वेश्चन आया तो वो आपसे जरूर बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्लियर। बस आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो को ढंग से देखना है, क्लियर है। ठीक, तो यहां पर 22 भाग हैं अभी वर्तमान में, 400 से अधिक आपके आर्टिकल्स हैं, 465 के आसपास आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भाग से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि निर्वाचन आयोग कौन से भाग में, आपातकाल कौन से भाग में, तो आपको याद होना चाहिए। तो एक बार मैं भाग को पूरा पढ़ रहा हूं, आर्टिकल के साथ पढ़ रहा हूं, ठीक, उसके बाद फिर हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो भाग एक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, यह आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य के, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A, ये ए है ना, ये अमेंडमेंट के थ्रू है। भाग 5 संघ के बारे में है, आर्टिकल 52 से 151, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 6 राज्य, आर्टिकल 152 से 237। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, फिर भी इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा भाग संविधान में नहीं है या जिसे समाप्त कर दिया गया, तो भाग 7 है, आर्टिकल 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, आर्टिकल 339 से 242।
भाग नौ पंचायत, ये भी इंपॉर्टेंट है, 243 से 243 ओ तक। भाग नौ ए नगर पालिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक। उसके बाद आर्टिकल 9 बी सहकारी समितियां, अनुच्छेद है 243 एस से 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244 ए। भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के बीच संबंध है, आर्टिकल 245 से 263। भाग 12 वित्त है केंद्र और राज्यों के बीच वाले, वो है आर्टिकल 264 से 300 ए तक। भाग 13 है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार से संबंधित, आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 संघ राज्य के बीच अधीन सेवाएं, वो यूपीएससी पीएससी वाली, ठीक, ये है आपका आर्टिकल 308 से 323 के बीच। फिर भाग 14 ए है न्यायाधिकरण, ये आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 है निर्वाचन आयोग, ये आर्टिकल 324 से 329 ए तक। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में, ये आर्टिकल 330 से 342। फिर उसके बाद भाग 17 है आधिकारिक भाषा, आर्टिकल 343 से 351 तक। भाग 18 है आपातकाल से संबंधित है, 352 से 360 तक। भाग 19 है विविध, 361 से मतलब 361 से 367। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ ना, समझ जाना, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर भी है और कहीं कहीं पर थोड़ी सी अंग्रेजी स्ट्रांग भी है। भाग 20 संविधान संशोधन 368। भाग 21 अस्थाई ट्रांजिशन स्पेशल प्रावधान 369 से 392 तक। एंड भाग 22 है आपका लघु उपाधि आधिकारिक और निरसन 393 से 395 तक। देखो मैंने अभी कहा आपको कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, तो 400 प्लस हैं, 465। मगर वो 465 कैसे हुए, वो 465 ऐसे हुए हैं कि कहीं कहीं पर अमेंडमेंट करके ए बी सी डी करके जोड़ा गया, ठीक, क्लियर। तो इन सबको काउंट करोगे तो टोटल मिलाकर के 400 से अधिक हो जाते हैं। 395 ही लास्ट है, 396 नंबर का कोई आर्टिकल नहीं होता, ध्यान दे रहे हैं इस बात को, ठीक है। वो सब वो जुड़ जुड़ करके वो 395 के अंतर्गत ही है और सबको जोड़ करके अमेंडमेंट करके मतलब संशोधन करके जोड़ा गया, फिर उसको काउंट करोगे तो वो बढ़ जाएगा पूरा 400 से प्लस तक, क्लियर, ठीक। चलो अब इसके बाद आपका इसी में आपको पढ़ना है क्या चीज, अनुसूचियां पढ़नी है, ठीक। तो अनुसूचियां, तो भारत के जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है तो 12 अनुसूची को कैसे याद करना, एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा, सरल में, सरल शब्दों में बताऊंगा, एक बार में याद होगा, बोला हूं ना। इसके बाद संविधान में मतलब इस तीनों पोर्शन से आपको कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर, क्वेश्चन यहीं से आएगा और यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलो तो पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के बारे में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक, इसके बारे में बताया गया, सिर्फ कोड वर्ड याद रखो। फिर उसके बाद दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि इसको कैसे याद करेंगे, इसमें लिखा गया संवैधानिक प्रमुखों का वेतन भत्ता, तो दूसरी अनुसूची को कैसे याद करो कि वेतन भत्ते के बारे में वर्णन है, किसके, संवैधानिक प्रमुखों के, तो दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, वेतन भत्ता किसके, संवैधानिक प्रमुख, कौन संवैधानिक प्रमुख, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो वेतन ही नहीं पाता, याद रखना, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, सीएजी, जितने भी संवैधानिक पद है उन सबके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है दूसरे में। तीसरे में आपका है क्या बोलते हैं, अब वेतन ले लिए इन लोग, तो वेतन लेने के बाद क्या करेंगे, काम करेंगे, तो काम की शुरुआत कैसे करेंगे, शपथ से करेंगे, तो तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। पहला संघराज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन भत्ते, तीसरा शपथ, ठीक। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची बंटवारा किसका, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ठीक। तो चौथी अनुसूची बंटवारे के बारे में बात करता है, किसका बंटवारा करने के लिए, राज्यसभा की सीट के बारे में, क्लियर है। पहला संघ राज्य, दूसरा वेतन भत्ता, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा की सीट का बंटवारा, क्लियर, चार हो गया। फिर उसके बाद पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची एससी
एसटी क्षेत्रों के लिए है कि एससी एसटी क्षेत्रों में कैसे शासन करना है, कैसे प्रशासन करना है, इसके बारे में। तो शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, एसटी एसटी क्षेत्र कहाँ, पूरे भारत में। पांचवी छठवीं में थोड़ा सा अंतर है, पांचवीं में पूरे भारत में एससी एसटी बोलता है और छठवीं में चार राज्यों में एससी एसटी। ठीक, तो छठवीं अनुसूची आपकी चार राज्यों में एससी एसटी। कौन से चार राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। AMM2 चार राज्यों में एससी एससी का प्रशासन, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सात हो गया। ठीक, आठवें नंबर की अनुसूची 22 भाषा सॉरी सातवें नंबर की सूची, छठवें के बाद सात आता है ना तो गिनती गड़बड़ा जाती है। ठीक, तो सातवें नंबर की सूची किसके बारे में बात करती है, सूची के बारे में बोलता है। कौन सी सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। ठीक, तीन सूचियों के बारे में इसमें कहा गया है कि राज्य को इतना विषय, केंद्र को इतना विषय है, को अपने अपने काम करे इसी विषयों पर। क्लियर, और समवर्ती में दोनों का अधिकार दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद आठवीं अनुसूची 22 भाषा के बारे में बात करता है कि संविधान में 22 भाषा को शामिल किया गया है, मगर कौन सी भाषा शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसी कारण मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब मैं संविधान पढ़ा रहा हूं तो संविधान का पालन तो करना पड़ेगा ना मेरे को। क्लियर, ठीक, तो 22 भाषा के बारे में बताया गया किसमें, आठवीं अनुसूची में, जिसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक, पीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद नौवीं अनुसूची, तो नौवीं अनुसूची किसके बारे में, भूमि सुधार। ये एक अमेंडमेंट के थ्रू था, संविधान पहला संविधान संशोधन था, उसको मैं बताऊंगा जब अधिनियम संशोधन बताऊंगा जब। ठीक, तो नौवां नंबर का बोलता है भूमि सुधार अधिनियम के बारे में, पहला संघराज, दूसरा वेतन, तीसरा सपा, चौथा बंटवारा राज्यसभा की सीट, पांचवा पूरे भारत में एससी एससी, छठवां चार राज्यों में एसटी एससी, सातवां सूची, आठवां 22 भाषा, नौवां भूमि सुधार। दस ए दस होता है, तो दस ए दल बदल, तो दल दस ए दल बदल कानून, ये भी अमेंडमेंट है, उसको बताऊंगा मैं। ठीक, और उसके बाद 11 और फिर 12। ठीक, तो 11 नंबर का आपका पंचायत और 12 नंबर का नगर पालिका, नगरी निकायों के बारे में। ठीक है, एक बार रिपीट, पहला संघराज, दूसरा वेतन, तीसरा सपा, चौथा राज्यसभा सीट का बंटवारा, पांचवा एससी एससी भारत में, छठवां चार राज्यों में AMM2, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सातवां सूची, आठवां 22 भाषा, अंग्रेजी शामिल नहीं, नौवां भूमि, दसवां दल बदल, 11 पंचायत और 12 नगरी निकाय। ठीक, अनुसूचियों से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद अब मेन फैक्ट बातें। ठीक, क्लियर, यहां से मैं बताया ना, इतना जितना बता रहा हूं ना, ईमानदारी से पढ़ लोगे, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी संविधान को देखने की, ईमानदारी से अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, क्लियर, सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, और वही हमसे नहीं होता, मगर हमको करना है, क्योंकि इस बार एक ही मोटो है हमारा, क्या, आर या पार, पैदल या कार। ठीक, इसी को लेकर के चलना है। चलिए देखते हैं, एक एक फैक्ट बता रहा हूं, ठीक, उसको देखो और उसको याद करते चलो, यही याद करके यही खत्म करो। क्लियर, ठीक है, चलो देखो, इंपॉर्टेंट बताया ना, पूरा नहीं लिया हूं मैं, शुरू से ही बोल रहा हूं, मैं पूरा लेकर नहीं चल रहा हूं, कुछ फैक्ट बता रहा हूं ताकि वो आसानी से हमको याद हो जाए, और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। क्लियर, फिर उसके बाद एमसीक्यू। तो 1773 का एक्ट, 1773 के एक्ट को, रेगुलेटिंग एक्ट को भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम स्रोत कहते हैं। कौन सा स्रोत कहते हैं, प्रथम स्रोत, याद रखना, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। उसके बाद 1774 में किसका पद बना, कलेक्टर का पद बना, वॉरेन हेस्टिंग इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसने एक पद बनाया कलेक्टर। कलेक्टर का जो पद है वो कलेक्ट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। इस समय जो ये पद बनाया गया था, ये राजस्व वसूली के लिए था। जब कॉर्नवालिस आया तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को कानूनी अधिकार दे दिया, मतलब पूरा प्रशासन का अधिकार उसको दे दिया, किसको, कलेक्टर को। तो अभी एट द प्रेजेंट जितना पावरफुल कलेक्टर है, इसकी शुरुआत कर दी थी किसने, कॉर्नवालिस ने। इसी कारण कॉर्नवालिस को नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है, और तुम और हम लोग को तो कॉर्नवालिस का धन्यवाद देना चाहिए। क्यों धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि अगर कॉर्नवालिस नहीं होता
ठीक, तो आप ना एसआई की तैयारी कर रहे होते ना हम एसआई की तैयारी करवा रहे होते। रीजन ये क्योंकि यही कॉर्नवालिस ने जिसने हर जिले में एक थाना की स्थापना की और उस थाने में एक दरोगा बैठाया जो आप बनने वाले हो। तो थैंक यू कॉर्नवालिस, सब कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू कॉर्नवालिस लिख देना, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, कम से कम शांति दे दो उसकी आत्मा को। तो कॉर्नवालिस ने पुलिस थाने की स्थापना की और उसी ने क्या किया कि एक एक जिले में दरोगा को बैठाया। ठीक है, उसी थाने में, क्लियर है। तो इसी कारण कॉर्नवालिस को नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद 1773 में अप्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हुई क्योंकि नियम कानून ब्रिटेन में बन रहे थे और शासन यहाँ पर कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो इसी कारण इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रशासन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम का तो फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार व्यापम इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, तो 1784 के पीस इंडिया एक्ट को, एक्ट के तहत क्या किया गया, व्यापार करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रशासन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, क्लियर। फिर उसके बाद 1833 में क्या किया गया, सॉरी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल उसको चाय का व्यापार, चाय का किसके साथ, चीन के साथ जारी रखा गया, चाय का व्यापार चीन के साथ, चाय मतलब वो पीने वाला चाय नहीं, चाय पत्ती वाला। ठीक है, क्लियर, क्योंकि आजकल देख रहे हो चाय वाले आजकल करोड़पति बन रहे, सबसे अच्छा धंधा है आजकल, सच में करोड़पति बन रहे हैं चाय बेच बेच करके। ठीक है, क्लियर। मेरे को ऐसा लगता है कि दो ही ऐसा जॉब है जो एकदम कंफर्म, अगर कुछ ना बनो, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक, मगर फिर भी अगर कुछ ना बनो ना, तो दो चीज जरूर करना लाइफ में, मैं खुद ही सोच रहा हूँ। ठीक, या तो बाबा बन जाऊं, प्रवचन दूं, एक जन को इंप्रेस करने की जरूरत है, वही मुझे संत की उपाधि दिला देगा। कोई दुखी है, मैं उसको जाके थोड़ा सांत्वना दे दूं, वो खुश हो जाए, बस मैं बाबा हो गया उसके लिए, वही खुद मेरी पब्लिसिटी कर देगा। तो बाबा लोग तो बहुत कमाते हैं, उसमें उनको तो इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा, 27, धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया पैसा टैक्स फ्री, तो इनकम टैक्स का भी लंफड़ा नहीं। और नहीं तो फिर दूसरा हो गया चाय का बिजनेस, पारो महीना बिकना है उसको, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, क्लियर है। मगर ऐसा ना हो, ठीक, क्यों, क्योंकि हमको तो पढ़ना है भैया, है ना, मैं बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करना है, पोस्ट पाना है, ऐसा ही बनना है, मतलब बनना है, दो तारे तो आने चाहिए कंधे पर, क्लियर। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार को, देखो 13 में व्यापार का एक अधिकार समाप्त हुआ, मतलब केवल एक ही व्यापार कर रहे थे, चाय का चीन के साथ, मगर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इन्होंने व्यापार को कंप्लीटली बंद कर दिया, पूर्ण रूप से व्यापार को खत्म कर दिए, कब, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले, ठीक, इन्हीं के द्वारा ही मैकाले रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहा गया था। ठीक है, गला खराब लग रहा है। फिर 1853 एक और व्यक्ति है, हमको उसका भी शुक्रिया बोलना चाहिए, दो व्यक्ति हैं, एक तो कॉर्नवालिस हो गया, दूसरा डलहौजी। डलहौजी था 1853 के चार्टर एक्ट के समय में कि इसने क्या किया था कि इसने भारत में लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया था, क्योंकि भारत में पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी, लंदन जाना पड़ता था आईसीएस के लिए एग्जाम देने के लिए। ठीक, तो इसने भारत में ही सुविधा प्रोवाइड कराई है, तो जब इसने सुविधा प्रोवाइड कराई तो इसीलिए भारत में पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1854 में, ठीक, लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ओके, तो डलहौजी का भी शुक्रिया, कॉर्नवालिस का भी शुक्रिया। देखो, अंग्रेज जरूर हम पे शासन किए, बुरे थे, मगर बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। ठीक है, फिर 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 25 लाख रुपए का क्वेश्चन था ये, कुछ सालों पहले की बात है ये। ठीक है,
उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि 1858 में महारानी के द्वारा भेजे गए पत्र को जिसके तहत भारत का शासन किसके हाथ में गया, संसद या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया, महारानी के इस पत्र को किस स्थल में पढ़ा गया था, पूछा था जगह का नाम पूछा था जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, वो कौन सी जगह पे पढ़े थे उस लेटर को। 25 लाख रुपए का प्रश्न था ये और आंसर था इलाहाबाद, मगर जो हॉट सीट पे बैठा था वो बेचारा आंसर नहीं बता पाया। ठीक, उस समय मुझे खर रहा था कि मैं रहता तो मैं 25 लाख जीत गया होता। तो जगह कौन सी थी, इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का लेटर पढ़ा था, इसके माध्यम से यह कहा गया था कि अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन या संसद को सौंपा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इलाहाबाद में, फिर उसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत मंत्री का पद बना, मंत्री नामक एक पद बनाया गया। क्लियर। उसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव नामक एक नया पद बना। फिर 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह का पद इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था। क्लियर। उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भेज दिए रंगून। रंगून कहाँ है, रंगून को याद करने का एक तरीका है कि एक तो गाना है, बहुत पुराना गाना है, अच्छा गाना है कि मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, हीरोइन गाती है। ठीक, जब सेकंड लाइन है गाने का, उस सेकंड लाइन में जो हीरो है वो बता देता है कि रंगून कहां पर है, मतलब करंट अफेयर है ये। हीरो गाता है कि मैं बर्मा की गलियों में घूमूं और तुम देहरादून। हीरोइन पहले बोल चुकी है रंगून कहां, मेरे पिया कहां गए हैं, रंगून गए हैं। हीरो दूसरे लाइन में बता देता है कि मैं कहां घूम रहा हूं, बर्मा की गलियों में, मतलब रंगून कहां, बर्मा में, वर्तमान में बर्मा मतलब म्यांमार, तो रंगून कहां, म्यांमार में। तो इसीलिए मुगल बादशाह को कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया और वहां पर उसकी डेथ हो गई और मुगल बादशाह का पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1879 भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिए, अभी तक समाप्त नहीं हुई थी वो। ठीक है, भले उसके हाथ से प्रशासन छीन लिए थे, सब कुछ छीना गया था, मगर कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, कंपनी 1879 में समाप्त हुई। ठीक, उसके बाद 1892 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1892 बजट में बहस और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। 1909 प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1909 सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1919 देखो 1909 के अधिनियम को माल्या मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, और 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्नू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1919 शासन भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई। 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। 1919 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक, कि राज्यों में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो राज्यों में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया। फिर उसके बाद 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। उसके बाद 1935 इसे बोला जाता है भारतीय संविधान का बिगेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। भारतीय संविधान का पहला सोर्स कौन सा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बिग सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 भारत शासन अधिनियम। क्लियर। इसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यों से द्वैध शासन हटा दिया गया और केंद्र में लागू करने की घोषणा की गई। ध्यान रखना, लागू करने की घोषणा की गई मगर लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो 19 में राज्यों में लगा, 35 में राज्य से हटा दिए और फिर 35 में केंद्र में लगाने की घोषणा की गई। क्लियर। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। 1773 में कोर्ट का स्थापना की गई थी कलकत्ता में, उसका नाम बाद में बदलकर सुप्रीम कोर्ट किया गया और वहां से उसको उठा करके कहां ले आए, दिल्ली ले आए। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में RBI बोलते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम भारत का संविधान, आप देखो थोड़ा सा अलग से हटके,
ये सब तो अंग्रेजों द्वारा बना था, मगर सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, और वो व्यक्ति थे कौन? महात्मा गांधी। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, इंडियन विल बी मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। उसके बाद सर्वप्रथम 1940 में ब्रिटिश द्वारा अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, मतलब यहां पर पहली बार अंग्रेजों ने भी कहा कि हां भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा, तो किस प्रस्ताव में कहा? तो अगस्त प्रस्ताव में, 9 अगस्त 1940 को इसको पेश किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो भारतीयों की जरूरत थी, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले ब्रिटिश लोग स्वीकार किए, बट कब बनेगा ये उन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेडेड चेक कहा, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेडेड चेक कहा, रीजन ये था क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में कह दिए कि हाँ बनाओ संविधान, मगर डेट नहीं बताया। अब क्रिप्स मिशन आया, ठीक, तो इसमें कहा गया कि ठीक है भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, ठीक है हम उनको पूर्ण स्वराज देंगे, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो कब, एक कहावत है ना कि कब बाबा मरेगा और कब बड़ा खाया जाएगा, ठीक, तो ये कहावत है, तो यही कहावत इन लोग ला रहे थे, क्लियर है। तो यहां पर गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेडेड चेक कहते। फिर उसके बाद यह उस बैंक का चेक है जो पहले से दिवालिया है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था किसके लिए, क्रिप्स मिशन के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या कर दिया था, एक स्टेटमेंट दे दिया था कि यह उस बैंक का चेक है जो पहले से ही क्या है, दिवालिया है, किसके लिए, क्रिप्स मिशन के लिए। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया था कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा ही बनाया जाएगा, उनको अनुमति दी गई थी, मतलब हमको संविधान बनाने की अनुमति इसी मिशन ने दिया था, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस। जब संविधान सभा बैठक हुई तो उस समय मतलब पूरे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है, क्लियर, ओके। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से हर बार क्वेश्चन बना है और हर बार क्वेश्चन आया है, इतना याद कर लोगे मोर देन है संविधान के लिए, क्लियर। अब चलते हैं अपन एमसीक्यू में, फटाक से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आपका यह पोर्शन कंप्लीट, ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, चलो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है आपका 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो यहां पर पूछा है कौन सा, पहली, ठीक है। पहली बैठक जब हुई तो पहली बैठक में क्या कर दिया गया कि अस्थाई अध्यक्ष चुने, किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक में स्थाई अध्यक्ष चुन लिए, किसे, राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी बैठक में तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक, कौन सी बैठक में, तीसरी बैठक में। तो एक में ही तीन क्वेश्चन, क्लियर, इसलिए मैं बोला एकदम आराम से ईमानदारी से देखोगे तो इसके बाद संविधान दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्लियर है, ठीक। तो चलो हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट अपना, अब दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन देखते हैं, बी एन राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो पहले ही मैंने कहा सेकंड पहली बैठक में क्या किया गया, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थाई अध्यक्ष, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक। और बी एन राव ने क्या किया था, संविधान का प्रारूप बनाया था, ठीक, किसने, बी एन राव ने, क्लियर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट अपना। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं, बी एन राव, जे बी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो अभी मैंने कहा भीमराव अंबेडकर क्या बने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बी एन राव के बारे में मैंने क्या कहा था, बी एन राव थे जो संविधान का प्रारूप बनाए थे, संविधान का प्रारूप, ठीक।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, समिति बनी थी, ठीक, संविधान सभा की कुछ समिति बनाई गई थी, उसमें एक समिति थी राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति, और एक मौलिक अधिकार के लिए समिति बनी थी, एक पहली समिति और दूसरा मौलिक अधिकार के लिए, ठीक। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे, ये दोनों समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, क्लियर। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनी थी इसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। जे बी कृपलानी को भारत का पिता कहा जाता है, ध्यान देना, राष्ट्रपिता नहीं ना, जैसे भारत की माता, भारत की माता किसको कहा जाता है, भिकाजी कामा को, क्लियर, वैसे भारत का पिता जे बी कृपलानी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दोनों अंतर कंफ्यूज मत होना, भारत का नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक, ओके, चलिए हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में बता चुका हूं, उनके बारे में बता चुका हूं, और मुंशी जी ने तो बहुत बड़ा बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं कई जगह पर, क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, ऑप्शन देखते हैं कि संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया, तो संविधान को अंतिम रूप से कब पारित कर दिया गया, ठीक है, तो संविधान को पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इसको लागू किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। चलो सरल सरल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, ऑप्शन, तो किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, तो लागू ये हो गया 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा फॉन्ट इधर आ गया है, तो ये कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, होता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है ना, तो गड़बड़ी तो होगी थोड़ी बहुत, क्लियर है, हमको आंसर से मतलब है। देखो ज्ञानी बनना ठीक है, जरूरी है, मगर उतना ज्ञानी नहीं बनना है कि कहीं की ना रहे, उतना पढ़ाई करना है, उतना जानना है कि अगर उस सब्जेक्ट से, वहां से अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं, अगर वहां से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, बात खत्म, क्लियर है। ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होने वाला, मेरा सिलेक्शन हो गया, अगर मान लो भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्रियों में से पूछे कि संविधान को, संविधान के पिता किसे कहते हैं, मान लीजिए उन्होंने में से पूछा, मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने में से पूछा संविधान के पिता कौन है, मैं नहीं बता पाया, तो मेरे को नौकरी से नहीं निकालेंगे वो, कह रहे इसको तो नहीं मालूम है संविधान का पिता कौन है, अरे मेरे को ज्ञानी थोड़ी ना बनना है भाई, मुझे तो सिलेक्शन लेना है ना, तो मैं उतना पढ़ लूं कि उस सब्जेक्ट को उतना अच्छे से जान लूं कि वहां से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन मेरे से बने, बस बात खत्म। क्योंकि मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ वो देखना है कि जब सिलेक्शन लिस्ट आए तो उस सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम हो, इसीलिए आर या पार, पैदल या कार, खत्म बात। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन देखते हैं, तो कौन सा अधिनियम था, अधिनियम था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समाप्त का 1858 भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, क्लियर। और 1833 में तो मैंने आपको बताया कि व्यापार पूर्णतः बंद, ये बहुत सारी बात थी इसमें, मगर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, व्यापार पूर्णतः बंद 1853 चार्टर एक्ट के तहत 1854 में पहली बार क्या हुआ, लिखित परीक्षा आयोजित हुई, ठीक। और 1861 में क्या हो गया, यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक, और विभागीय प्रणाली शुरू हुई थी, दो चीजें था, क्लियर है। चलो इसका आंसर क्या है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल का पद समाप्त हुआ, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन मूल अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, प्रस्तावना, संविधान संशोधन। देखो है तो बहुत सारे, इसमें कई सारे चीजों को भी ना भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, मगर ओवरऑल अगर एक चीज लेंगे अपन ऑप्शन, तो इसमें एक ही ऑप्शन है और वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको भारतीय संविधान का मेन आत्मा कहा गया है, क्योंकि यही हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार से रीट जारी करना,
ठीक। और वो 5 रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। इसी कारण संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और वो 5 कौन कौन से हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, दूसरा है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और 5वां अधिकार पृच्छा, ठीक। और इन्हीं 5ों के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, ऑप्शन 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, तो क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो मैंने कहा था कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक, और उसने कह दिया था कि हाँ जाओ भैया अपना संविधान बनाओ, क्लियर। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा फिर क्या किया गया, पहली बार 9 दिसंबर को बैठक हो गई, तो किस मिशन को आधार बनाया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक। माउंटबेटन के तहत तो कोई था कुछ नहीं था, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी और क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट देके खारिज कर दिया था, ठीक है। चलो इसके बाद किस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया, ऑप्शन तो 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, 1919 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम। तो चार्टर एक्ट राज्यों में कौन किस अधिनियम के तहत लगा, तो 1919 के तहत चार्टर एक्ट लागू किया गया राज्यों में, और 35 में क्या किया गया, राज्यों से हटा करके कहां लगा दिए, केंद्र में। तो आंसर क्या होगा इसका, 1919 भारत शासन अधिनियम, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन, संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक, 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, ठीक, मतलब ये बता दिया गया कि हाँ हमारा संविधान अब ऐसा होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी, मैग्ना कार्टा, होम रूल विधेयक, अधिकार पत्र, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो किस रूप में की गई थी, मैग्ना कार्टा के रूप में अधिकारों का वर्णन किया गया था उसमें, ठीक, ओके। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, ऑप्शन रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मेनेकल मुंशी। तो आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 6 महीना लगा था इनको लिखने में, हाथ से लिखे थे ये, ठीक, इनके मतलब इनका खानदानी पेशा था राइटिंग करना। तो इनको जब ये काम दिया गया तो इनसे पूछे कि भैया क्या मेहताना लोगे, इनसे पैसा पूछा गया, भैया फ्री में तो काम नहीं करेगा। तो ये बोलते हैं कि नहीं मेरे को कोई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, बस एक काम करो कि संविधान के हर पन्ने में मेरा नाम हो और संविधान के जो लास्ट पेज होगा उसमें मेरे नाम के साथ साथ मेरे दादाजी का भी नाम हो। तो ये डिमांड रखे थे ये संविधान लिखने के लिए, 6 महीना कंटिन्यू इन्होंने लिखा था, हाथ से लिखने वाले की बात कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि जब संविधान को लागू कर रहे थे, मतलब जब संविधान का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 सदस्यों ने साइन किया था, क्लियर, तो उस दिन बहुत जोरदार बारिश हुई थी और उसको एक शुभ संकेत के रूप में माना गया कि हाँ बारिश हो रही, मतलब एक खुशी की बात है ये कि भगवान भी हमारे संविधान को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची 10 से 10, तो 10 से दल बदल से संबंधित है, सिंपल सा बात, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और प्रतिज्ञा। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक। तो कौन सा नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, ये तीनों है। तो आंसर इज डी।
फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो किस देश से? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो किससे संबंधित है? वो कनाडा से रिलेटेड है। यूनाइटेड किंगडम से तो हमने क्या लिया? संसदीय प्रणाली, ठीक। आयरलैंड से नीति निदेशक, तो और भी दो चार ठोक चीज है, ठीक। अमेरिका से भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक है आपका फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया, बहुत सारा चीज है, क्लियर। मगर संघीय प्रणाली कहां से? कनाडा से है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, कॉमन सी बात है, दोनों में ही लिखी गई है। अरे किस में लिखी गई है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन जनसंख्या नियंत्रण, भूमि भवन, श्रमिक संघ, औद्योगिक श्रमिक, रोजगार। तो एक ही ऑप्शन है, आंसर इज सी, जनसंख्या नियंत्रण परिवार, तो समवर्ती में चल गया, परिवार कल्याण वाले में, ठीक। कृषि भूमि को छोड़ करके बाकी सब चल देगा तुम्हारा सेंट्रल में, रोजगार भी सेंट्रल में, क्लियर। तो कृषि, श्रम, औद्योगिक और श्रमिक, किस में चल देगा आपका? राज्य सूची के विषय में। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, वायसराय द्वारा, नामांकन के माध्यम से। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो इसका आंसर है ए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या किए गए थे कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। टोटल 389 सदस्य आए थे संविधान सभा में, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 जो थे वो देसी रियासत से थे, ठीक, और 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। थोड़ा सा पेन खराब चल रहा है यहां पर, ठीक, या तो थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है, क्योंकि शब्द कट रहे हैं। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, 292 ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत से 93, और कमिश्नरी से, ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 लोग आए थे। तो ऐसा करके टोटल 389 थे, क्लियर है। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एम एन रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यता प्रस्तावना को संविधान की कुंजी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, सामान्यता, ठीक है ना, क्लियर। और एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी आत्मा कहा था प्रस्तावना को, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। मगर यहाँ पर कुंजी किसने कहा था? तो मेन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ही स्टेटमेंट था ये, जो संविधान की क्या है, ये कुंजी है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे? 299, 289, 284, 285। तो अंतिम रूप से किए थे 284 लोगों ने, ठीक। जब संविधान बना तो 389 सदस्य थे, जब भारत का बंटवारा हो गया तो संविधान भी खत्म हो गया, नया संविधान बना, तो संविधान का जब पुनर्गठन हुआ, ठीक, संविधान का पुनर्गठन हुआ तब 299 सदस्य थे, क्लियर, ठीक। मगर अंत में 24 जनवरी जो 1950 को जिन लोगों ने साइन किया, तो समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, भारत के संविधान में स्वतंत्रता बंधुता की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित है? तो स्वतंत्रता बंधुता और एक है गणतंत्र, ये तीन शब्द लिया गया है फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र, ये तीन चीज फ्रांस से है, ठीक। रूस से तो आपको पता है मूल कर्तव्य, जर्मनी से आपातकाल, और अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका से एक चीज याद रखना, वित्तीय आपातकाल, ये एक इंपॉर्टेंट बात। इमरजेंसी जर्मनी से, मगर वित्तीय आपातकाल कहां से है? अमेरिका से है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गवर्नर जनरल प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो किसने दिया? भारत सरकार अधिनियम, निदेशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। तो किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो किसने दिया था? भारत सरकार अधिनियम ने। फिर यहां पर थोड़ा सा बोर्ड हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं है, होता है,
बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। क्लियर है? तो आंसर इज ए। तो किसने दिया था संवैधानिक प्रमुख का दर्जा? भारत सरकार अधिनियम है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्रिटिश द्वारा किस प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा? ऑप्शन, मेरे को लगता है बिना ऑप्शन के बन जाएगा ये आपसे। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल विशन, वेवेल योजना। तो किसमें स्वीकार किया गया था? अगस्त प्रस्ताव में कह दिया गया था कि भारत का संविधान सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन को तो खारिज कर दिए थे पोस्ट डायरेक्ट चेक गांधी जी बोल करके, और उस बैंक का चेक है जो पहले से दिवालिया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कैबिनेट मिशन ने तो हमें औपचारिक रूप से ये अधिकार दे दिया था कि जाइए संविधान बनाइए। क्लियर है? ठीक, ओके। तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन थे, और इसी 25 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से तैयार रखना है। देखो, जितना फैक्ट बताया हूं ना और जितना क्वेश्चन बताया हूं ना, ईमानदारी से पढ़ लेना, एकदम ईमानदारी से। आप अनसॉल्व उठा करके देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि यहां से बाहर नहीं गया है इस टॉपिक से, और गया भी है तो जो उसके फैक्ट में बताया हूं आपको। एकदम क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, और इसी जोश के साथ आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़िए। समय कम है, मगर उतना भी कम नहीं कि हम उसकी तैयारी ना कर पाए। ठीक है, जाते जाते फिर से मेरा फेवरेट डायलॉग है ये, आर या पार, पैदल या कार। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।